लो जी लो, जेएनयू में अब प्रदर्शन करने वालों के मुंह पर छपाक पड़ा है। जी हाँ, अब जेएनयू में प्रदर्शन करने वालों पर सख्त जुर्माना लगेगा। अब तमाम लिबरांडू, इस्लामिस्ट, कम्युनिस्ट अपना रोना रोने कहाँ जाएंगे? जेएनयू को पढ़ाई की जगह राजनीति अखाड़ा बनाने वाले वो तमाम लोगों की तनख्वाह आखिर कौन देगा? जेएनयू के वो सिगरेट फुक्कड़, वो गंजेड़ी, वो भंगड़ी आखिर जाएंगे कहाँ? एक बार में ही सबकी नौकरी छीन ली, एक ऐसा आदेश जिसने बवाल मचा दिया और पूरे जेएनयू में सन्नाटा पसर गया। मुफ्त की रेवड़ी खाने वालों को अब अगर किसी भी प्रकार का गुनाह किया तो जबरदस्त जुर्माने का पूरा बंदोबस्त अब प्रशासन ने कर दिया है। यानी कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना जेएनयू के दीवार पर अगर आपने पोस्टर भी लगा दिए तो उसका भी आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं बिना पूछे अगर आपने किसी भी प्रकार के विदाई, डिस्को, फ्रेशर पार्टी, डीजे जैसे कार्यक्रम भी कर डाले तो उसके लिए भी पैसे भरने पड़ेंगे जनाब। अब इस तरह के जो नियम आए हैं उसको लेकर तहलका मचा हुआ है, बवाल कटा हुआ है साहब, बवाल। और इस बवाल में पूरी तरह से लिब्रांडू गैंग की हालत खस्ता हो चली है और ऐसे में उसे सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी जो खुद अपने आप पड़ रही ईडी और सीबीआई और आईटी की रेड से परेशान है अभी तक मुंह खोल पाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी गैंग पर किस तरह से कुठाराघात हुआ है। अब भीतर जो लोग गंजेड़ी चरसी बैठे होंगे सोच रहे होंगे कि अब मुफ्त की पूरी व्यवस्था कैसे कायम रहेगी, क्योंकि उन्हें तो इन सब का स्वाद तभी मिलता था जब जेएनयू के परिसर में पढ़ाई की जगह भारत विरोधी नारे लगाए जा सके, भारत की संस्कृति पर सवाल उठाए जा सके, गंदी भद्दी गालियां बकी जा सके, तभी तो इसके पैसे मिलते ना। अब ये पैसे भी नहीं मिलेंगे क्योंकि ये काम करने के एवज में भरना पड़ेगा भारी जुर्माना और मिलेगी सख्त सजा। भाई मजा आ गया। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।